अमीर लोग ऑर्डिनरी लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ में अलग होते हैं और वो है हैबिट्स, यानी हमारी आदतें। अगर आप भी मिलियनेयर्स की हैबिट लर्न करोगे, उन्हें प्रैक्टिस और रिपीट करोगे, तो आप भी मिलियनेयर लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकते हो। इस वीडियो में हम आपको हैबिट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है। क्या आप भी मिलियनेयर बनने का ड्रीम देखते हैं? अगर जवाब है हाँ, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बिलियनेयर बनने का ड्रीम कोई बेकार का या होपलेस ड्रीम नहीं है। ये कोई ऐसा सपना नहीं है जो सच ना हो सके। आपसे पहले भी कई लोगों ने ऐसे सपने देखे थे और वो लोग भी आप ही की तरह गरीब थे या कम पढ़े लिखे थे। उनके पास कोई खास स्किल भी नहीं थी, मगर बावजूद इसके वो सब चैलेंजेस को पार करके सक्सेसफुल बने। जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो आपको मोस्ट सक्सेसफुल लगते हैं। ऐसा क्या है उनमें जो उन्हें सक्सेसफुल बनाता है? उनकी कौन सी खास हैबिट्स उन्हें हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है? हम जहाँ पहले थे आज भी वही हैं, और इसकी वजह है हम खुद। हमारा प्रेजेंट टाइम यानी आज, हमारे एक्शन, हमारी चॉइस और हमारे डिसीजन की वजह से जो हमने खुद चूज किए हैं, और यही डिसीजन हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। जॉर्ज वॉशिंगटन, जो यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जब वो यंग एज के थे तो उन्होंने एक बुक पढ़ी थी, द रूल्स ऑफ सिविलिटी एंड डिसेंट बिहेवियर। उन्होंने इस बुक के सारे 110 रूल्स अपनी छोटी सी नोटबुक में लिख कर रख लिए थे, और हर रोज वो उन रूल्स को पढ़ते और एक एक करके उनकी प्रैक्टिस करते थे। इस बुक की वजह से उनके अंदर गुड हैबिट्स डेवलप हुई, और इस तरह अपने टीन एज की उम्र से ही उन्होंने इस रूल्स की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। फिर जब बड़े होकर वो पॉलिटिक्स में गए, तब तक गुड बिहेवियर उनकी डेली लाइफ का पार्ट बन चुके थे। इन गुड हैबिट्स को अप्लाई करने में उन्हें जरा भी मुश्किल नहीं होती थी। तो इसलिए आप भी प्रैक्टिस करो और रिपीट करो, फिर आपके अंदर भी ऑटोमेटिकली गुड हैबिट्स आ जाएंगी। इंसान के ब्रेन के अंदर 20 मिलियन के करीब न्यूरॉन्स होते हैं, और इनमें से हर एक न्यूरॉन बाकी के 20,000 न्यूरॉन से कनेक्टेड रहते हैं, और हम लोग अपनी डेली लाइफ में इन न्यूरॉन्स का एक छोटा सा फ्रैक्शन ही यूज़ करते हैं। तो ज़रा इमेजिन करो कि आपके पास अभी भी इस वक्त ब्रेन की कितनी पोटेंशियल है जो आप यूज ही नहीं कर रहे। लेकिन सक्सेसफुल लोग करते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा करते हैं। आप भी कर सकते हैं, आलस छोड़ दो, अभी भी वक्त है, आप लाइफ में मनचाहा चेंज ला सकते हो। आपके दिमाग में किस तरह के थॉट्स आते हैं, ज़्यादातर आपके माइंड्स में क्या चलता रहता है, ये बात समझ लो कि आपके विचार ही आपकी किस्मत बदल सकते हैं। आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो जिनके बारे में आप सोचते रहते हो। जैसे अगर आप हमेशा पैसे और सक्सेस के बारे में सोचोगे, तो आपको ऐसे कई मौके मिलेंगे जो आपको पैसे कमाने का मौका देंगे। इसके उल्टे, अगर कोई हमेशा एक्सीडेंट या बीमारी के बारे में सोचेगा या हमेशा परेशान रहेगा, तो वहीं उसकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, अपने विचार पर कंट्रोल रखो, नेगेटिव थॉट्स हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। प्रैक्टिस और रिपीटेशन से आपका माइंड सिर्फ पॉजिटिव बातें ही सोचेगा, और आप पहले से ज़्यादा खुश और सक्सेसफुल फील करोगे। इस बुक के ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने अपनी इस बुक के थ्रू अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की है। उनकी फैमिली भी काफ़ी गरीब थी, उनके फादर के पास कोई स्टेबल जॉब भी नहीं थी, इसलिए ब्रायन को 10 साल की उम्र में काम करना पड़ा। उन्होंने अपने नेबरहुड में कई टाइप की छोटी मोटी जॉब्स की। उन्होंने पड़ोसियों के लोन की घास काटी, सूखे पत्ते उठाए और न्यूज़पेपर भी डिलीवर किए। उन्होंने अपने दो वक्त के खाने और कपड़े का खर्चा खुद उठाया। फिर जब वो यंग एज के थे, तो उन्होंने एक छोटे से होटल में बर्तन धोने का काम पकड़ा। वहाँ पर पॉट्स और पैन घिसते हुए ब्रायन खुद को बड़ा लकी मानते थे। ब्रायन को पैसों की इम्पोर्टेंस छोटी उम्र में ही समझ आ गई थी, इसलिए उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई ड्रॉप करके पैसे कमाने का डिसीजन लिया। उन्होंने कई सारे फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया। उन्होंने बड़े बड़े फार्म्स में भी काम किया। 20 साल की उम्र में वो एक सेल्समैन बने। ब्रायन घरों और ऑफिसों में जाकर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बेचते थे। उनकी हालत ये थी कि वो अपने दो वक्त के खाने के लिए भी सेल पर डिपेंड थे। एक रात जब वो अपने बोर्डिंग हाउस में रेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ सेल्समैन ढेर सारी सेल्स कर लेते हैं और कुछ सेल्समैन बिल्कुल भी सेल नहीं कर पाते। अगली सुबह ब्रायन ने एक ऐसी हैबिट स्टार्ट की जिसने उनकी लाइफ ही चेंज कर दी। ये हैबिट्स थी सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स लर्न करना और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके अपनी कंपनी के एक सेल्स एजेंट का नंबर मांगा, और उस एजेंट को कॉल करके ब्रायन ने पूछा कि आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हो जो लोग हमेशा आपसे कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। तो उस एजेंट ने उन्हें अपना एक सीक्रेट बताया, जिसे ब्रायन ने भी अपने कस्टमर के साथ ट्राई किया, और फिर उसके कस्टमर भी उसके सारे प्रोडक्ट्स लेने लगे। ब्रायन सेलिंग से रिलेटेड कई सारे बुक्स भी पढ़नी स्टार्ट कर दी थी। इसके अलावा ब्रायन सेल्स सेमिनार में भी जाते थे और सेल्स के ऑडियो लेक्चर भी सुनते थे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उसे वो तुरंत अप्लाई करते थे, और इस न्यू हैबिट की वजह से ब्रायन काफ़ी सेल्स करने लगे थे। उनको प्रमोशन भी मिली, अब वो सेल्स मैनेजर बन गए थे।
ब्रो ने जो कुछ भी सीखा अपने टीम मेंबर के साथ शेयर किया और उन लोगों को भी इम्प्रूव करने में हेल्प की। आप अपने करियर में खूब पैसा कमाने के लिए जो कर सकते हो करो। अगर आप गुड हैबिट्स फॉलो करते हो तो एक दिन आप मिलियनेयर जरूर बनोगे। जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं उन्हें सक्सेसफुल होने के बेशुमार मौके मिलते हैं। 1990 में सिर्फ 5,000 के करीब अमेरिकन लोग मिलियनेयर्स हुआ करते थे और 2000 में 50 लाख के करीब अमेरिकन मिलियनेयर्स हुए। इनमें कई सारे तो मल्टी मिलियनेयर थे और बिलियनेयर्स थे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि ये सब के सब अपने दम पर ही अमीर बने थे। इनमें से कोई भी खानदानी अमीर नहीं था। ये लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। कुछ तो अच्छे पढ़े लिखे हैं और कुछ काफ़ी गरीब थे जिनके पास मामूली एजुकेशन थी। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अडॉप्ट यानी गोद लिए गए थे। इन लोगों में काफ़ी ऐसे माइग्रेट भी शामिल थे जो खाली हाथ अमेरिका काम की तलाश में आए थे। बिना किसी हेल्प या किसी स्पेशल स्किल के इन लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया। इन्हें ठीक से इंग्लिश भी नहीं आती थी, बावजूद इसके इन्होंने अपनी लाइफ में इतनी इम्प्रूवमेंट की, इतना कुछ अचीव किया क्योंकि इन्होंने गुड हैबिट्स की प्रैक्टिस की, एक बार नहीं बल्कि बार बार, और फाइनली सक्सेसफुल होकर दिखाया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि हैबिट्स के अंदर कितनी पावर होती है जो एक नॉर्मल इंसान को भी पावरफुल बना सकती हैं। तो दोस्तों, आप भी गुड हैबिट्स सीखो और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करो ताकि आप भी सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में शामिल हो सको। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और आगे ही ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास लगातार आते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।